ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 4 जुलाई का दिन बहुत ही खास है मेष राशि वालों, विशेष तौर पर कर्क राशि वालों को समझ देना चाहिए कि इस दिन सावन का आरंभ हो रहा है और सावन का तिथि बहुत शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि शास्त्र के अनुसार से, कथा के माध्यम से, कि भगवान शिव शेष, भगवान विष्णु जो है वो शेष शय्या पर विश्राम के लिए चले जाते हैं और समस्त प्रजा का जो राज्य सत्ता, संसार की सत्ता का जो दायित्व है भगवान शिव पर होता है। और शिव तो है भोलेनाथ, एक लोटा जल डालो प्रसन्न और आशीर्वाद तैयार। तो कोशिश करें, इस सावन के महीने में सबसे ज्यादा अभिषेक इसलिए होता है भगवान शिव पर, जो गंगा जल लेके कहाँ कहाँ कांवड़िए चलते हैं वो सब इसलिए करते हैं कि अरे शिव तो सबके इष्ट हैं, समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, तो हमारे समस्त प्रकार के पापों को क्षय करने वाले हैं। तो इस सुंदर तिथि का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से कार्यक्रम रखा है कि इस बार सावन जो है 60 दिन का पड़ रहा है और इन 60 दिनों में पूरे हर रोज भगवान का अभिषेक सामूहिक तौर पर किया जाएगा, शाम को 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। तो आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और जो लोग दूर हैं वो अपने स्थान को आरक्षित कराकर, आप विशेष तौर पर योग्य ब्राह्मणों के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व कर आप उस यज्ञ का, उस अभिषेक का लाभ ले सकते हैं। ग्रह गणना जो है वो विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रही है और सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा, शाम के समय पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे और वो आपके लिए विशेष तौर पर लाभ की स्थिति को प्रशस्त करेगी, आपके लिए धनागमन की सूचना लेके आएगी। तो आपके लिए सुबह थोड़े इंपॉर्टेंट काम छोड़ दें, शाम के समय इंपॉर्टेंट काम को निपटाने का प्रयास करें, आपके लिए शुभ योग बनेगा। वहीं 5 जुलाई की यदि बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और ये द्वितीया तिथि विशेष तौर पर दिखाती है कि इस दिन विशेष तौर पर आपके लिए समय अनुकूल रहेगा, आपके किए गए कार्यों का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है और आप जितने ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। लेकिन शनि मंगल का टकराव चल रहा है और सूर्य आपके अंदर महत्वाकांक्षा को उदय दे रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि धीरे धीरे काम होते हैं, एकदम बहुत लंबी कूद ना लगाएं, स्टेप बाय स्टेप यदि काम करेंगे तो ग्रह गारंटी दे रहे हैं कि आपको लाभ अवश्य देंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान गणेश का स्तवन करें, गणेश को दूर्वा अर्पित करें, आज का सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। वहीं 6 जुलाई की यदि हम बात करें तो 6 जुलाई को बृहस्पतिवार का अवसर है और उस दिन तृतीया उदय तिथि है, चतुर्थी का आगमन होगा और उसके बाद वो क्षय भी हो जाएगी, तो ये क्षय तिथि मानी जाएगी। तो इस दिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नए कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए। आज का तिथि आपके विशेष तौर पे आपके लिए सुबह के समय तो आश्वस्त करती है, गारंटी देती है लाभ की, लेकिन शाम के समय नुकसान होने के योग बनाती है। तो इसलिए सुबह के समय महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण कर लें, शाम के समय को भगवान के स्तवन में लगाने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोपहर को करीब 1:41 पर चंद्रमा का परिवर्तन होगा और सुबह सुबह करीब अगले दिन सुबह रात को 12 बजे के बाद शुक्र का परिवर्तन होगा सिंह राशि में। उस दिन गणेश चतुर्थी भी है और चतुर्थी क्षय भी हो गई है, तो इस बात का ध्यान रखें नया कार्य आरंभ करने के लिए तिथि शुभ नहीं है। यदि हम बात करें 7 जुलाई की, तो 7 जुलाई को शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि है। ये पंचमी तिथि जो है सावन की बहुत खास होती है, ऐसे में कई बार कुंडली में कुछ अशुभ योग बन जाते हैं, उनको दूर करने के लिए ये बहुत प्रशस्तकारी तिथि मानी जाती है। आपकी राशि के अनुसार से ग्रहजन की योग जो है वो आपके लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है, सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, तो इसलिए द्वंद्वों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो भी कार्य करें उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ना रखें, पॉजिटिव होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तभी आप कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बना पाएंगे, अन्यथा थोड़ा सा दिमाग को तेज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात और ध्यान रख लें, तो आपके लिए जो हम बताने जा रहे हैं कि पंचमी तिथि का महत्व विशेष तौर पर नोट कर लें। सावन की शुक्ल पक्ष जो पंचमी होती है, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों पंचमियां हैं, ये विशेष तौर पर काल भैरव जैन विशेष तौर पर काल जो काल सर्पयोग कुंडली में होता है उसको ठीक करने के लिए बड़ी प्रशस्त मानी जाती हैं। तो ऐसे में जिनकी कुंडली में काल सर्पयोग है उनको इस शुभ तिथि में अपने घर में, अपने व्यवसाय स्थल पर, जिनकी कुंडली में काल सर्पयोग है, काल सर्पयोग शांति यंत्र को स्थापित करके पूरे वर्ष 11 महीने के लिए अपने घर में अवश्य रखने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि समस्त प्रकार के काल सर्पयोग के जो योग हो, जो योग बन रहे होते हैं, वो जो परेशान करने के योग बन रहे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। लेकिन एक विडंबना ये है कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग जबरदस्ती हर कुंडली में काल सर्पयोग बता देते हैं, हमने उसके लिए व्यवस्था बनाई है, और जबकि होता बहुत रेयर है, केवल 12 प्रकार के काल सर्पयोग हैं और वो जिस कुंडली में होंगे तो रेयर में आएंगे। लेकिन आज हर दूसरा आदमी कह रहा है मेरी कुंडली में किसी ने काल सर्पयोग बता दिया, मैं पूजा कराया, वहाँ जाकर ऐसा खर्च कराया, ऐसा ना करें। आप उचित सलाह के लिए हमारे जो नंबर्स हैं उन पर अपनी
जन्मपत्री को भेजें, हम बताएंगे आपको कि वैदक आपकी कुंडली में काल सर्प योग है भी कि नहीं। और हम माने आश्चर्य होगा आपको, 80% से ज़्यादा लोगों की कुंडली में काल सर्प योग होता ही नहीं है और बेकार वो फंसे रहते हैं, कुछ और कारण हो सकते हैं। तो उसको निवारण करने के लिए सही स्थिति जान लें, आपके लिए हमने ये व्यवस्था बनाई है, लाभ लें इसका, आपके जीवन में लाभ के योग बनेंगे। 8 जुलाई को ग्रह गणना देखें, शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और इस दिन दो दो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मीन राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होगा दोपहर को 3 बजे और कर्क राशि में बुध का परिवर्तन होगा। ये दोनों के दोनों चेंजेस आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं आपकी राशि के अनुसार से। कर्क राशि के संबंध में बात करें तो कर्क में जब चंद्रमा, जब शुक्र, जब विशेष तौर पर बुध आ जाएंगे आपके लग्न में, तो आपकी चीज़ों को और ऑर्गेनाइज कर देंगे, कार्यों को बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बुध थोड़े अस्त चल रहे हैं आने वाले कुछ दिन तक, 4-5 दिन में उदय हो जाएंगे, तो उसके बाद आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन जब तक अस्त है तो क्या करें, तब तक हर रोज गौशाला में एक पालक की, थोड़ा सा पालक गाय को दे दिया कीजिए, यह आपके बुध को प्रशस्त उदय करने में, आपके बुध की शक्ति को जगाने में बहुत लाभ देगा। चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, सरलता का उदय देगा, धर्म के द्वारा लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा आपकी राशि के अनुसार से। 9 जुलाई को यदि हम बात करें तो 9 जुलाई को रविवार का अवसर है, उस दिन सप्तमी तिथि है और अष्टमी का आगमन हो जाएगा सप्तमी के उपरांत, और कालाष्टमी का योग पड़ रहा है। सावन के महीने में कालाष्टमी जो है बहुत शुभ होती है। कहा जाता है कि अष्टमी का संबंध कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है शिव के साथ होता है, और जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है उसका दुर्गा जी के साथ है। तो वैसे अष्टमी के दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि आप सावन के महीने में विशेष तौर पर शिव पार्वती दोनों का सुंदर तरीके से पूजन करें, आपके बहुत मनोरथ को सिद्ध करने वाला अवसर प्राप्त होगा। आपके लिए तो ग्रह गणना विशेष तौर पर समझें, कर्क राशि वालों के लिए तो समय ही शुभ चल रहा है, आपका शुभ समय लाभ की स्थिति प्रशस्त कर रहा है। यदि आप बैलेंस होकर काम करेंगे, सरलता से काम करेंगे और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा को तवज्जो नहीं देंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, तो बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस के योग बनेंगे, लाभ की स्थिति आपके लिए प्रशस्त बनी हुई है। दिमाग का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य करने की जरूरत है, कहीं भी किसी संकोच में फंसने की जरूरत नहीं है, समय आपके अनुकूल होगा, शिव की आराधना करें, कल्याण होगा। 10 जुलाई को ग्रहों की स्थिति तो है ही शुभ आपके लिए, लेकिन तिथि भी बहुत शुभ है। इस दिन सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है, तो ऐसे में बहुत सुंदर तरीके से भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूजन करें, कल्याणकारी योग बनेंगे, आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस का समय दिखा रहा है, लाभ की स्थिति। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर बड़ा भव्य रुद्राभिषेक, रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम के समय 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 8-8:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, इसमें सम्मिलित हों, लाभ लें। धन्यवाद।